अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था। लेक्चर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोकैरियोटिक का कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस कर दिया था। इसका लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर से, वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को जो है वो कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास जो पिगमेंट्स हैं वो ब्लू और ग्रीन कलर के हैं। इस वजह से इसका नाम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी रखा गया। डिफरेंट टाइप्स के साइनोबैक्टीरिया हैं जो डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, और अपेयरेंस जो है वो ग्रीन और ब्लू कलर की देते हैं। साइलेंट फीचर्स साइनोबैक्टीरिया के डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, यानी इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इनके न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म है और ना ही न्यूक्लियोलस है। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल के अंदर मौजूद है सेंटर में, या और कोई मेम्ब्रेन नहीं सराउंड कर रही और ना ही कोई फ्लूइड सराउंड कर रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्फ एंटीबॉडी कंप्राइज है, सॉलिडरी फिलामेंटस है और कॉलोनियल फॉर्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल पर इनकी बॉडी कंप्राइज हुई है। अब बहुत सारे सेल्स ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया तो इसको हम कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं। अब यही सेल्स जो हैं वो अरेंज हो जाए एक रॉस के अंदर तो ये फॉर्म फिलामेंटस फॉर्म कहलाती है। सेल वॉल इनकी डबल लेयर है, यानी दो लेयर्स मौजूद होंगी इनकी सेल वॉल के अराउंड, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो सेल वॉल इनकी डबल लेयर है। प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड है आउटर कलर्ड रीजन में जिसको क्रोमोप्लाज्म कह रहे हैं, और इनर कलरलेस रीजन है जिसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं कि ये सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ साइटोप्लाज्म है और ये मेम्ब्रेन मौजूद है इसकी। तो इस मेम्ब्रेन से लेकर इस मेम्ब्रेन तक जितना भी रीजन है जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों आ जाएंगे, ये इसका कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में दो रीजन्स हैं, एक तो आउटर रीजन है जो कि कलर्ड है, जो कि क्रोमोप्लाज्म कहला रहा है। क्रोमो मतलब कलर्ड और प्लाज्म कलर्ड प्लाज्म है, और इनर जो रीजन है वो कलर्डलेस है, उसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। ये सेंट्रोप्लाज्म है इसका, ये कलर्डलेस है। न्यूक्लियर मटेरियल आपको ऐसे नज़र आ रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और ये इसका आउटर रीजन है जो कि कलर्ड है, पिगमेंटेड है, और यहाँ कलर आपको नज़र आ रहे हैं कि ब्लू कलर भी नज़र आ रहा है, ग्रीन। इन दोनों पिगमेंट्स की वजह से इसका नाम जो है वो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी रखा गया। क्रोमोप्लाज्म कलर्ड है क्योंकि यहाँ पर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है और फाइकोसाइनिन है। क्लोरोफिल ए की वजह से ये जो है ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, और फाइकोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर के, तो इस वजह से ये ब्लू नज़र आ रहा है। तो ये दोनों पिगमेंट मौजूद हैं, इनका क्रोमोप्लाज्म कलर्ड है, ब्लू और ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्वेटिक फॉर्म हैबिटेट में पाए जाएंगे, या तो फ्रेश वाटर में होंगे या मरीन में, समंदर में पाए जाएंगे या दरिया वगैरह में पाए जाएंगे। वो वाटर जिसके अंदर सॉल्ट मौजूद नहीं होगा वो फ्रेश वाटर कहलाएगा, और जिसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होगी वो मरीन वाटर कहलाएगा। एब्सेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ऐसी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो रिप्रोडक्शन गैमेट्स के थ्रू नहीं होगी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है इनके अंदर। अब ये रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, और एसेक्सुअल के जरिए इनके पास हॉर्मोगोनिया है, हेटरोसिस्ट हैं, अकाइनीट्स हैं और जूस्पोर हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इनके सेल्स हैं जिनके जरिए ये अपनी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो कुछ यहाँ पर डार्क कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, हेटरोसिस्ट नज़र आ रहे हैं डबल लेयर के, कुछ ये सेल्स नज़र आ रहे हैं अकाइनीट्स हैं, और कुछ जूस्पोर्स होंगे और कुछ हॉर्मोगोनिया हैं, पीसीज हैं दो हेटरोसिस्ट के दरमियान की। तो ये किस तरह इनके अंदर इनके जरिए रिप्रोडक्शन होती है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हेटरोसिस्ट है,
हिट्रोसिस लार्ज ट्रांसपेरेंट मोटाइल थिक वॉल सेल है और ये पाए जाते हैं फिलामेंट के अंदर साइनोबैक्टीरिया के। ये हिट्रोसिस्ट है जो के बाकी सेल के मुकाबले में थोड़ा बड़े साइज का होता है, ट्रांसपेरेंट है मतलब कोई डार्क कलर नहीं नजर आ रहा, कोई किसी किस्म का कोई पिगमेंट नहीं है। इसकी वॉल्स जो है वो थिक होती हैं ताकि अपने आप को डिफरेंट कंडीशन से बचा सकें, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सकें। हिट्रोसिस जो है वो साइड है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, यानी इनका जो फंक्शन है वो नाइट्रोजन को फिक्स करना है। प्लांट के साथ सिंबायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं क्योंकि प्लांट के पास एबिलिटी नहीं है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। तो ये नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद प्लांट इन एलिमेंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है। सेल जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे फेवरेबल कंडीशन, यानी जब इनके पास तमाम न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हो, फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, तो ये जो हिट्रोसिस का सेल है ये ग्रो करके एक नया फिलामेंट बना देगा। ये हिट्रोसिस का सेल था, ये डिफरेंट सेल्स थे जिन्होंने यूनाइट होकर एक फिलामेंट बना लिया था। ये एक लार्ज ट्रांसपेरेंट कलर का थिक वॉल सेल था, अराउंड में जो है वो डिफरेंट सेल्स थे इसके फिलामेंट के। अब ये हिट्रोसिस ब्रेक हुआ जब फेवरेबल कंडीशन थी, यानी इसको तमाम फूड मटेरियल मिल रहा था, थिक वॉल था, डबल लेयर मौजूद है, सेंटर में इसका प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। पहले इस सेल के अंदर डिवीजन होगी, ये दो सेल्स में डिवाइड होगा। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये दो सेल में डिवाइड हो गया। अब दो सेल से ये जो है चार सेल में डिवाइड होगा और जब चार सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पूरा फिलामेंट बना देगा न्यू, और इसकी जो आउटर थिक वॉल थी वो रप्चर हो जाएगी। इस तरह जो है ये सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे कि ये फिलामेंट से ब्रेक हो जाएंगे जब इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी, एनवायरमेंटल कंडीशन। ब्रेक होने के बाद जो है ये डिवाइड होंगे, एक सेल से दो में, दो से चार में डिवाइड होंगे, आउटर वॉल को रप्चर करके पूरे फिलामेंट को रिप्रोड्यूस कर लेंगे। सेकेंड टाइप है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की के मेथड है, वो है अकाइनिड्स फॉर्मेशन का। अकाइनिड्स जो है वो नॉन मोटाइल हैं, थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स हैं, वेजिटेटिव सेल से बनेंगे जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। हिट्रोसिस तब बनते थे जब फेवरेबल कंडीशन थी, तमाम चीज़ों की अवेलेबिलिटी थी फूड मटेरियल की। अकाइनिड्स की फॉर्मेशन तब होगी जब शॉर्टेज हो जाएगी फूड मटेरियल की। डिफरेंस दूसरा ये भी हो सकता है कि अकाइनिड्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं, यानी ये ऐसे स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे जो नॉन मोटाइल होंगे, जबकि हिट्रोसिस के अंदर जब स्पोर की फॉर्मेशन होगी तो वो मोटाइल होंगे, उनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होगा मूवमेंट के लिए। तो अकाइनिड्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं, थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स हैं। जब फूड मटेरियल नहीं मिलेगा तो ये अपने अराउंड जो है वो वॉल्स डेवलप कर लेंगे ताकि अपने आप को लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकें। तो ये पूरा एक फिलामेंट है साइनोबैक्टीरिया का। ये हिट्रोसिस नजर आ रहा है आपको, हिट्रोसिस कलरलेस था, डबल वॉल भी ठीक था और ये रिप्रोड्यूस कर रहे थे तब जब फेवरेबल कंडीशंस। ये काइनेट्स है जिसके अराउंड जो है वो डबल लेयर नजर आ रही है आपको, और ये तब प्रोड्यूस करेंगे तब अनफेवरेबल कंडीशन। काइनेट्स का एक और फंक्शन भी होता है कि फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, जबकि हिट्रोसिस का फंक्शन पढ़ा था हमने कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सेल्स एक्यूमुलेट करेगा, स्टोर करेगा फूड मटेरियल को, और जैसे सेल के अंदर जो है वो वैक्यूल के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है, तो यहाँ पर जो है वो अकाइनिड्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर वैक्यूल नहीं है ना ही क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ जो है फूड मटेरियल इन सेल्स के अंदर स्टोर होगा, इसको अकाइनिड्स। काइनेट्स जो है वो दो लेयर्स पर कंप्राइज होता है, आउटर थिक लेयर को एक्सोस्पोरियम कह रहे हैं जबकि इनर थिन लेयर को हम एंडोस्पोरियम कह रहे हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो आउटर वॉल इसकी रप्चर हो जाएगी और ये नए फिलामेंट की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। ये आउटर वॉल है इसकी, आउटर वॉल कहला रही है एक्सोस्पोरियम,
और ये ठीक इसलिए है ताकि अपने आप को एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सकें। टेम्परेचर हाई हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, वाटर की स्कैरसिटी हो जाए या किसी भी न्यूट्रिएंट की ज्यादती हो जाए तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इनर लेयर जो है वो थिन है, ये इनर लेयर है और ये इनर लेयर कहला रही है एंडोस्पोरियम। आउटर एंडोस्पोरियम जो कि थिक है, इनर एंडोस्पोरियम जो कि थिन है। अपने जो इनर कंटेंट है उसको ये कंसेंट्रेटेड कर लेंगे, कंसेंट्रेटेड करने के बाद वॉल डेवलप कर लेंगे थिक, यानी एक्सोस्पोरियम को मजीद थिक कर लेंगे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फूड मटेरियल फिर से मिलने लग जाएगा, तो ये आउटर वॉल इसकी रप्चर होगी और पूरा नया फिलामेंट प्रोड्यूस कर देंगे। सेल जो है वो हाईली रेजिस्टेंस है हाई टेम्परेचर से और एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि थिक वॉल डेवलप कर रहे हैं एक्सोस्पोरियम के जरिए, तो ये रेजिस्टेंस है, यानी इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हाई टेम्परेचर का या लाइट का या किसी भी दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन का। थर्ड टाइप हमारे पास फॉर्मोकोनिया। फॉर्मोकोनिया वो पोर्शन है फिलामेंट का जो दो हेटरोसिस के दरमियान में पाया जाता है। ये दो हेटरोसिस के दरमियान का रीजन फॉर्मोकोनिया कहलाता है। ये एक हेटरोसिस्ट है, यहीं पे कहीं इसका दूसरा हेटरोसिस्ट लगा हुआ है, तो इन दो हेटरोसिस के दरमियान जो भी रीजन होगा वो कहलाएगा हार्मोगोनिया। तो ये हार्मोगोनिया के जरिए ब्रेक होंगे, ये हार्मोगोनिया का पार्ट जो है वो ब्रेक होगा दोनों हेटरोसिस के रीजन के दरमियान और ये नए फिलामेंट को रिप्रोड्यूस कर लेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तो ये फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा जंक्शन से जहाँ हेटरोसिस प्रेजेंट है और रिजल्ट कर लेगा नए फिलामेंट को, नए पीसेस बनने लग जाएंगे जिनको हार्मोगोनिया कहेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो वहाँ वाटर और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होगी, तो ये इस पार्ट से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों तरफ इसके हेटरोसिस लगे हुए थिक वॉल्स लगे, तो इस हेटरोसिस के रीजन से ये ब्रेक होने के बाद नए फिलामेंट प्रोड्यूस करेगा, छोटे पीसेस प्रोड्यूस करेगा। हर पीस जो है वो हार्मोगोनिया कहलाएगा और हर हार्मोगोनिया के पास एबिलिटी है कि वो नए फ्लेमेंट को रिप्रोड्यूस करे। हर हार्मोगोनिया डेवलप हो जाएगा नए फ्लेमेंट में। फोर्थ जो टाइप है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है वो जूस्पोर है। जूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि मोटाइल नेचर हैं और प्लेजिडा मौजूद है इनके पास लोकोमोशन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए ये जो है जूस्पोर के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो ये एक सेल है जिसके ऊपर फ्लैजिला लगा हुआ है और जूस्पोर भी इसी तरह के सेल होते हैं कि जहाँ इनर साइड पे इसका प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है और यहाँ फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। तो ये सेल जो है वो डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद दो फ्लैजिला प्रोड्यूस करेंगे। पहले तो अपने फ्लैजिला को शेड कर देंगे, शेड करने के बाद जो है वो इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद फिर ये दो जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे, दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स हैं यानी इनमें फ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा, इनके स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल को बना देंगे। मोटाइल इन नेचर है क्योंकि फ्लैजिला है, फ्लैजिला के जरिए ये मूव कर सकते हैं, तो ये मोटाइल इन नेचर है। लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ये, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। साइनोबैक्टीरिया की कॉमन एग्जांपल है जो कि बुक में डिस्कस की गई है वो है नोस्टॉक। नोस्टॉक के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया की। स्ट्रक्चर कैसा है? सिंगल फिलामेंट जो है वो कहलाता है ट्राइकोम और ये बीडेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक सिंगल इसका फिलामेंट है जो कि ट्राइकोम कहला रहा है और बीडेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे से राउंडेड सेल हैं जो एक साथ यूनाइट होकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं जिसमें बहुत सारे जो है वो राउंडेड से सेल्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं और यूनाइट होकर एक स्ट्रिंग डोरी के अंदर जो है वो जुड़े होते हैं। कुछ सेल्स के अंदर भी कुछ बड़े और छोटे भी होते हैं। तो इसी तरह नोस्टॉक की अपीयरेंस जो है वो तस्बीह के दानों की तरह होती है। फिलामेंट जो है वो इंटरमिक्स हुआ हुआ है जेलेटिनियस मास में और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको सिनोबियम कह रहे हैं।
अब ये बहुत सारे जो फिलामेंट हैं वो एक साथ यूनाइट हुए हैं और इन्होंने एक कॉलोनी बना ली है जिसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर और सिनोबियम कह रहे हैं। इसके अराउंड एक शीट मौजूद है और ये शीट कहला रही है म्यूसिलेट जीनियस शीट, म्यूसिलेट शीट। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इन ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करेगी डेसिकेशन से, यानी ड्राई होने से बचाएगी, ड्राई होने से ही बचाएगी। इसके साथ अलावा जो है ये तमाम जितने भी फिलामेंट है उनको एक साथ जुड़े हुए हुए और एक साथ जो है इन्होंने मिलकर एक कॉलोनी बना ली है, और इस कॉलोनी का नाम हमारे पास क्या है, सिनोबियम। नॉस्टॉक यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल पे इसकी बॉडी कंप्राइज हुई है, फ्रेश वाटर प्रोकैरियोट है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है प्रोकैरियोट, यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। और जब ये बहुत सारे यूनिसेलुलर सेल जो है वो यूनाइट हो जाएंगे तो ये पूरा एक फिलामेंट बना लेंगे और ये पूरा फिलामेंट कहलाएगा ट्राइकोम। हर फिलामेंट में सिंगल है अनब्रांच है और सिंगल रॉज है राउंडेड और ओवल सेल की। सिंगल फिलामेंट है, एक ही पूरा फिलामेंट है, सिंगल सेल से कंप्राइज हुआ है, छोटे बड़े सेल तमाम सेल मौजूद हैं, अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग मौजूद नहीं है, एक सिंगल रॉ मौजूद है सेल की। इस तरह नहीं है कि ये रॉ इस तरह डिवाइड हो रही है या मजीद क्यों डिवाइड हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रांच कहलाता है, मगर नॉनस्टॉप का स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड है, किसी किस्म की कोई ब्रांचेस मौजूद नहीं है। सेल वॉल यहाँ भी डबल लेयर है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है तो सेल वॉल डबल लेयर होगी। आउटर थिक है वॉल जो कि कंपोज हुई है सेलुलोज और पेक्टिन से, जबकि इनर वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से कंपोज हुई है। ये आउटर वॉल है इसकी, सेल वॉल थिक है, थिक अपीयरेंस नजर आ रही है आपको, थिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट पॉलीमर्स मौजूद हैं, सेलुलोज और पेक्टिन, इन दोनों पॉलीमर्स की वजह से इसकी अपीयरेंस थिक हो गई है। जबकि इनर वॉल जो है वो थिन है और ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज के मिलकर बनी है, ये इसकी इनर वॉल है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की कंपोजिशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के इनर साइड पे एक मेम्ब्रेन मौजूद है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी, जबकि सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि ये इसको शेप प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल इंजरी। प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे डिफरेंशिएटेड है, कलर्ड रीजन में कलर्ड ग्रीन रीजन है जिसको हम क्रोमोप्लाज्म कह रहे हैं। क्रोमोप्लाज्म कलर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल ए मौजूद है, जबकि ब्लू कलर का जो है वो इसका क्रोमोप्लाज्म दूसरा है, दूसरा पिगमेंट मौजूद है, ब्लू ग्रीन है, दो पिगमेंट मौजूद हैं। तो ये जो कलर्ड है ब्लू, ये इसका साइनोफाइसिंग की वजह से एक पिगमेंट मौजूद है इनकी मेम्ब्रेन के अराउंड, और ये मेम्ब्रेन के में पिगमेंट जो मौजूद है वो कहलाता है साइनोफाइसिंग। क्लोरोफिल ए ग्रीन इसलिए है क्योंकि यहाँ क्रोमोप्लाज्म ग्रीन इसलिए क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल ए मौजूद है। क्रोमोप्लाज्म ब्लू इसलिए है, मेम्ब्रेन इसकी ब्लू इसलिए है क्योंकि यहाँ पर साइनोफाइसिंग मौजूद है पिगमेंट। अब प्रोटोप्लाज्म दो में डिफरेंशिएट था पढ़ा हमने, एक तो क्रोमोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म कलर्ड है, कलर्ड दो रीजन वजह से है, एक ग्रीन क्लोरोफिल ए की वजह से और ब्लू फाइकोसाइलिन की वजह से। अब जो सेकेंड पार्ट है इस प्रोटोप्लाज्म का वो कहलाता है इसका सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म कलर्ड है, यहाँ कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है। साइनोफाइसिंग ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, इन ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है कि ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, ग्रेन्यूल जो है वो स्टोर करेंगे फूड मटेरियल को जितना भी ये प्रिपेयर करें, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लोरोफिल ए मौजूद है फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो जितना भी फूड मटेरियल प्रिपेयर होगा उसको जो है वो स्टोर करके रख लेंगे ये इन ग्रेन्यूल्स के अंदर, जिनको हम साइनोफाइसिंग ग्रेन्यूल्स कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड है कलर्ड क्रोमोप्लाज्म में और कलर्ड है सेंट्रोप्लाज्म में, तो ये इसका प्रोटोप्लाज्म है कलर्ड वाला, क्रोमोप्लाज्म जो कि ब्लू और ग्रीन नजर आ रहा है आपको क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन मौजूद है, जबकि इनर जो सेंट्रल रीजन है वो कलर्ड है क्योंकि यहाँ कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है।
क्रोमोप्लाज्म कलर्ड है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हैं जैसे कि क्लोरोफिल के है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जेंथोफिल और कैरोटीन भी मौजूद होगा फाइकोसाइनिंग के और फाइकोएरिथ्रिन के जैसे ब्लू अपीयरेंस है। कुछ में जो है क्लोरोफिल ए के साथ जो है वो जेंथोफिल होगा जो कि येलो अपीयरेंस देगा और कैरोटीन रेड और ब्लडी रेड कलर की अपीयरेंस देगा। सेंट्रोप्लाज्म कलरलेस है और कंटेन कर रहा है हेरिडिटरी मटेरियल को और ये डिफरेंशिएटेड है उनके कंप्लीट एब्सेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर ना ही न्यूक्लियोलस होगा और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो ये जो सेंट्रल कलरलेस रीजन है वहाँ पर इनका ये हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि इनका न्यूक्लियर मटेरियल जो भी है वो इसके अंदर मौजूद होगा। एब्सेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस की, इसलिए एब्सेंस है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनके न्यूक्लियस के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी और न ही डार्टेड कलर बॉडी न्यूक्लियोलस है और न ही कोई न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल के हैं और ये प्रोकैरियोटिक हैं तो इसलिए इनका न्यूक्लियर मटेरियल सेंट्रल रीजन में मौजूद है। पिगमेंट जो है वो इनके लोकेटेड हैं इन्वेजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्योंकि यहाँ एब्सेंस है प्लास्टिड्स की। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि कलर्ड पिगमेंट होते हैं प्लास्टिड्स होते हैं जो कि क्रोमोप्लाज्म जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट भी होंगे कलरलेस भी होंगे जो कि रूट्स के अंदर मौजूद थे। मगर यहाँ पर चूंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी नहीं होंगे। जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो इनके पिगमेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही लगे होंगे, यानी इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट के साथ इन पिगमेंट को भी कैरी करती जो कि हेल्प कर रहे हैं इनको फोटोसिंथेसिस में भी और ब्लू ग्रीन अपीयरेंस भी दे रहे हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो है यहाँ पर स्टार्च है और ये जो है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट जो है वो कंबाइन होंगी। कंबाइन होने के बाद ये एक लॉन्ग पॉलीमर चेन बना लेंगी जिसको स्टार्च कह रहे हैं और ये स्टार्च जो है वो इन ग्रेन्यूल्स के अंदर पैक हो जाएगा जिनको हम साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल कहते हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स हैं, पिगमेंट मौजूद हैं इनके पास फोटोसिंथेटिक तो उनके जरिए ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड मटेरियल प्रिपेयर कर देंगे। हेल्प करेंगे फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और ये प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में और नाइट्राइट में और फिर इसके जरिए जो है वो अमीनो एसिड और प्रोटीन को बनाएंगे। एक अमोनिया है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो नाइट्राइट है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। पहले अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाएगी मजीद ऑक्सीजन को बाइंड करके नाइट्रेट के अंदर। इस तरह जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे क्योंकि प्लांट के पास एबिलिटी नहीं होती कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करे तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है प्लांट की रूट के साथ। ये सॉइल में भी मौजूद होते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट को नाइट्रोजन को फिक्स करने में ताकि प्लांट जो है वो अमाइनो एसिड और प्रोटीन अमाइनो एसिड बनाए अमाइनो एसिड से प्रोटीन के फॉर्मेशन स्टार्ट करें। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी कम्प्लीटली एबसेंट है जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होमोगोनिया के जरिए होगी मिटोसिस के जरिए होगी और अकाइनिड्स की फॉर्मेशन के जरिए इन तीनों प्रोसेस के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। होमोगोनिया हमने पढ़ा था कि दो मिटोसिस के दरमियान का जो रीजन होगा वो होमोगोनिया कहलाएगा, फ्लैमेंट ब्रेक होगा तो ये दोबारा नया फ्लैमेंट प्रोड्यूस करेंगे। हेट्रोसिस जो है वो कलरलेस सेल मौजूद हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर रहे थे और जब अनफेवरेबल कंडीशन थी तो ये डिवाइड होकर नया फ्लैमेंट बना रहे थे। फेवरेबल कंडीशन थी तो ये डिवाइड होकर नया फ्लैमेंट बना रहे। अकाइनिड्स का काम एक तो फूड मटेरियल को स्टोर करना था और इसके साथ ये नए फ्लैमेंट को भी रिप्रोड्यूस कर रहे। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है कुछ साइनोबैक्टीरिया की, यूजफुल इफेक्ट भी आते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में और हार्मफुल भी। यूजफुल इफेक्ट क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए और
अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट। तो चूंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल मौजूद है इनके पास, तो लाइट एनर्जी को कैप्चर करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है कंबाइन होने के बाद फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऑक्सीजन को जो जितना भी ऑक्सीजन है समंदर में है और तमाम इन्वायरमेंट में, वो तमाम जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करें तो दूसरे ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करें रेस्पिरेशन के लिए। एबिल है फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और इम्प्रूव कर देते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। नाइट्रेट को नाइट्राइट, नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। अब जब ये आइंस जो है वो सॉइल के अंदर ये रिलीज कर देंगे तो प्लांट बॉडी इन आइंस को एब्जॉर्ब कर लेगी, एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, नाइट्राइट और इन आयंस को जो है वो सॉइल में छोड़ देंगे ताकि ये प्लांट बॉडी को एब्जॉर्ब कर ले और सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाए। वाटर ब्लूम्स कॉज करते हैं, बैड ऑर्डर कॉज कर देते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। कुछ ब्लूम्स कहते हैं कि इनकी अबंडेंट ग्रोथ हो जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए इन ऑर्गेनिजम्स की, तो ये ब्लूम्स कहलाती है। अब इन ब्लूम्स की वजह से क्या होता है कि जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी का वैसे ही कलर नज़र आने लग जाता है। जैसे अगर ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म था ब्लू ग्रीन एनर्जी थी तो पानी का कलर भी ब्लू ग्रीन हो गया। अब इस ब्लू ग्रीन कलर की वजह से क्या होगा कि बहुत बैड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगी वाटर बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो है वो साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देते हैं और ये टॉक्सिन्स जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को के लिए हार्मफुल होते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स है इस वाटर को ड्रिंक कर लेगा वाटर को तो फिर उसको भी ये नुकसान पहुँचाएंगे। टॉक्सिन्स कहते हैं हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को, यानी इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबिलिटी होती है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो हार्मफुल हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, यानी फिशेस के लिए या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स मौजूद हैं समंदर के अंदर या पानी के अंदर, ये उन तमाम को किल कर देंगे। इसके अलावा अगर जो है इनकी कुछ अमाउंट जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी पाई जाए और उसको ह्यूमन जो है वो कंज्यूम कर ले तो उन ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन को भी ये इफेक्ट करेंगे, उनके लीवर पे भी इफेक्ट करते हैं और उनकी किडनीज पे भी इफेक्ट करते हैं। इस तरह जो है वो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, फेज लॉन्ग कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता इस चैप्टर से, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। वन मार्क के क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर नाम लिखना होता है आपने, जैसे फेजेस ऑफ ग्रोथ के नाम बता दें, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और डेथ फेज। इसी तरह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम बता दें, जैसे कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजक्शन। बैक्टीरिया डिस्कवर कैसे हुआ था, बैक्टीरिया को रेन वाटर में डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, कुछ मूवमेंट देखी थी उसने वाटर के अंदर और उसने उसका नाम दे दिया उसने कि ये बैक्टीरिया, साइंटिस्ट का नाम लिख दिएगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास 2 मार्क्स के लिए, तो आपने जो है वो इसके आइडेंटिफाइंग करेक्टर में ये लिखना है कि इसकी सेल वॉल डबल लेयर्ड है। इसके अलावा जो है इनका प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड है होमोप्लाज्म में और सेंट्रोप्लाज्म में। एब्सेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हॉर्मोगोनिया, हेटरोसिस्ट और अकाइनेट्स के जरिए होती है। तो ये तीनों पॉइंट्स लाजमी लिखिएगा और सबसे अहम पॉइंट के ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये पॉइंट लाजमी लिखिएगा ताकि साइलेंट फीचर्स वाले में आपको फुल मार्क्स मिल जाए। शॉर्ट नोट लिखना है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में तमाम जितनी भी कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजक्शन है उनको आपने डिफाइन करना है। क्लासिफिकेशन है फ्लैजिला की के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की, तो ये 5 टाइप के बैक्टीरिया थे, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफो, एमपी, इन सबको डिस्क्राइब करना है। डिस्टिंग्विश करना है बैक्टीरियल सेल में और नॉनस्टॉक सेल के अंदर के दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर इनकी मेम्ब्रेन में जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद है
क्लोरोफिल है और फाइकोसाइनिन, जबकि इनकी मेम्ब्रेन में जो है ये पिगमेंट मोटिफ नहीं होते। रेस्पिरेशन जो है वो इनके पास एक इन्वेजिनेशन मौजूद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको मीजोसोम कहते हैं, जबकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही रेस्पायर करते हैं। ये अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे ऑटोट्रॉप्स हैं, और ये जो है वो डिफरेंट तरीके से अपना फूड मटेरियल हासिल करेंगे, तो ये हेटरोट्रॉप्स। फ्लैजिला और पिलाए में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी कि पिलाए जो है वो स्मॉल साइज के हैं, फ्लैजिला का साइज बड़ा है। यहाँ प्रोटीन फ्लैजिलिन मौजूद है, यहाँ पिलिन प्रोटीन मौजूद है। इसका फंक्शन क्या है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करेगी, और इसका फंक्शन क्या है कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगी। तो इस तरह ये डिफरेंसेस कर लिए। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।